हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैक ब्लाउज डिज़ाइन। तो ये हमारा ब्लाउज़ है, इसको ऑलरेडी हमने पहले से कट करके रख लिया है। तो चलिए अभी हम गले की मार्किंग करते हैं। तो गले की जो चौड़ाई है वो हम यहाँ पर 3.5 इंच रख रहे हैं, और इसकी जो डीप है वो हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे। और एक बॉक्स बना लेते हैं हम यहाँ, तो इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। अगर आपको इसकी फुल कटिंग देखनी है फ्रंट और बैक साइड की, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने बोट नेक शेप दे दिया है। अब यहाँ से हमें 1 इंच पे दूसरा मार्क करना है, और 3 इंच पे फिर से एक मार्क करेंगे यहाँ पर, और इधर से भी हमें 3 इंच ले लेना है। अब यहाँ पर हम बैक साइड के डिज़ाइन का शेप दे देते हैं, तो इस तरह से आपको शेप दे देना है। देखिए, यहाँ पर हमने शेप दे दिया है। अब इसके नीचे फिर से हमें 1 इंच का निशान लगाना है, तो इस तरह से 1 इंच पे हमने मार्क कर दिया है। अब यहाँ से नीचे फिर से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, तो यहाँ पर 3 इंच पे हमने मार्क कर लेना है, और साइड से भी हमें 3 इंच लेना है। अब यहाँ पर भी हम शेप दे देंगे, तो इस तरह से हमने ये शेप दे दिया है। अब इसके बाद हमें क्या लेना है, कैनवास पेपर ले लेना है। इसको मैं हल्का सा डार्क कर रही हूँ, तभी हम कैनवास पेपर ले लेंगे। तो इसे इस तरह से डबल में हमें फोल्ड करके इसके ऊपर रख लेना है, और अब यहाँ पर हम टैप टैप करेंगे ताकि जो निशान है वो हमारे कैनवास पेपर पे आ जाए। तो आप देख रहे होंगे हल्का हल्का यहाँ पर हमारा जो निशान है वो दिखने लगा है, तो इसको मैं हल्के से डार्क कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम डार्क कर लेंगे। तो ये हमारा डार्क हो गया है यहाँ पर। अब इसको हमें प्रेस से यहाँ चिपका लेते हैं अस्तर पे। तो देखिए, हमने अस्तर पे इसे चिपका लिया है। अब इसे हमें फिर से एक बार फोल्ड करना है, और जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन बनाया हुआ है, देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे, और इसको सेंटर पे हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा बैक साइड हुका ही रहेगा। तो इस तरह से हमने जो डिज़ाइन बनाया हुआ था उसके सेंटर पे हमने इसे कट कर लिया है। अब हम बैक साइड का मेन फैब्रिक लेंगे, और इसको इस तरह से उल्टा रखेंगे, और जैसे हमने निशान लगाया है बस उस पर ही आपको सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। तो देखिए, इसी तरह आपको सिलाई लगाना है। तो हमने सिलाई लगा लिया है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर कट लगा लिया है। अब इसके बाद इसे हमें पलट के प्रेस से अच्छे से चिपका लेना है। तो दोनों साइड का पल्ला हमने रेडी कर लिया है, और इसके ऊपर मैंने प्रेस भी लगा दी हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए, इसको चारों तरफ हमें सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करेंगे। दूसरी वाली पल्ले को भी सेम आपको इसी तरह रेडी करना है। अब इसे हम साइड में रखेंगे, और यहाँ पर हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए पट्टी लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा बैक साइड ही रहेगा हुकाई। अब इसको पलटते हुए ऊपर से हम एक और सिलाई लगाएंगे। देखिए, अब इसे हमने पलट लिया है, और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमने रख लिया, और यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें और ले लेना है मेन फैब्रिक और अस्तर को, और दोनों को एक दूसरे से अटैच कर लेना है। तो ये हमारी बनी गई आई की पट्टी, और हमने ब्लाउज पीस को ले लिया है, और बैक साइड से हमें इसे लगाना स्टार्ट कर देना है। अब इसको पलटते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे हम। अब देखिए, इसके बाद हमको यहाँ पर पलटते हुए इस तरह से सेट कर लेना है और रखना है, और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देना है। तो ये हमारी आई की पट्टी बन के रेडी हो गई है।
टक्स को भी हम यहाँ पर लगा लेंगे, सिलाई कर लेंगे। दूसरे साइड के भी टक्स में हमें सिलाई करना है। इस तरह हमें टक्स की जो हमारी सिलाई हो चुकी है, अब यहाँ पर हम कमर की पट्टी लगाएंगे, ऊपर से हम टॉप सिलाई लगाएंगे और इसे पलटते हुए यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ सिलाई कर लिया है, बाद में से तुरपाई करके खोल देंगे तो हमारा बैक ब्लाउज का जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक डोरी ले लेना है, उसका लूप बना के यहाँ पर हम लगाएंगे। तो इस तरह से मशीन से ही इसको आपको सिलाई कर लेना है। तब हमने यहाँ पर एक लूप लगा लिया है, आप चाहे तो दो दो भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर सेंटर पे मैं एक ही लूप लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह हमारा बैक साइड का जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।